बच्चों, आज बरोज पीर 13 दिसंबर हफ्तुम जमात में उर्दू की किताब से आज हम लोग एक नई नज्म पढ़ेंगे जिसका उन्वान है खाके वतन। और इस नज्म के जो शायर हैं उनका नाम है जान निसार अख्तर। तो तमाम बच्चे फौरन अपनी किताबें निकालेंगे और सफ़ा नंबर 72 पर देखेंगे। बच्चों, हमेशा की तरह जब भी हम नया सबक या कोई नई नज्म पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहली बात और जान पहचान। और मैं कहता हूँ इन दोनों से पहले हमें क्या देखना है, अल्फाज मायने। जो भी हम सबक या नज़म पढ़ रहे हैं उसमें जो नए अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं बच्चों, पहले उसके मानी देख लिया करो ताकि हमें वो दिया हुआ सबक और नज़म पढ़ने में समझने में आसानी हो। बच्चों, तो इस नज़म में जो नए अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं आप लोग देखेंगे और सुनेंगे। बच्चों, दश दमन गगन गंगोत्री फबन गंगो जमन। अब इसके मानी भी लिखे हैं, दश यानी कि जंगल, बड़ी शीन है बच्चों, दाल शीन ते, एक होता है दाल सीन ते, दस्त इसका मतलब होता है हाथ, यहां क्या लिखा है दश दमन पहाड़, गगन आसमान, गंगोत्री गंगा का मंबा यानी कि मंबा यानी कि मिलना इकट्ठा होना, फबन दिलकशी जो दिल को भा जाए दिल को अच्छा लगे, गंगो जमन हिंदुस्तान की जो दो मशहूर नदियां हैं गंगा और जमुना उसको मिलाकर क्या कहा गया गंगो जमन। और एक लफ्ज है हिलाल यानी कि चांद। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इस नज्म का देखते हैं पहली बार। हिंदुस्तान के मशहूर खेलाबाज राकेश शर्मा जब एक खिलाई मिशन के तहत खेला में पहुंचे तो इस वक्त की वजीर आजम इंदिरा गांधी ने इनसे बातचीत की और पूछा कि वहां से यानी खेला में से हमारा मुल्क कैसा दिखाई दे रहा है। तो राकेश शर्मा ने अल्लामा इकबाल के मशहूर तराने का एक मिसरा पढ़ा था और वो क्या था, राकेश शर्मा ने जवाब दिया था इंदिरा गांधी को, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसका मतलब कि यहां से मैं पूरी दुनिया देख रहा हूं लेकिन हमारा मुल्क हिंदुस्तान सबसे अच्छा नजर आ रहा है, हम अपने मुल्क से नहायत मोहब्बत करते हैं, हमें इनकी हर शय से मोहब्बत है। शायर ने इस नज्म में अपने वतन की मुख्तलिफ चीज़ों का जिक्र करते हुए फख्र का इजहार किया। अब देखेंगे शायर जो है जान निसार अख्तर, उनके बारे में मुख्तसर पढ़ते हैं बच्चों। जान पहचान, जान निसार अख्तर 8 फरवरी 1914 को ग्वालियर में पैदा हुए और इनके जो वालिद थे मुज़्ज़र खैराबादी उर्दू के बहुत ही मशहूर शायर थे। अख्तर जान निसार अख्तर ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से बीए का इम्तिहान पास किया, वो ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में उर्दू के उस्ताद मुकर्रर हुए लेकिन आज़ादी के बाद मुंबई चले आए। उन्होंने नज़में भी कहीं और गज़लें भी कहीं, इनकी नज़मों की तादाद ज़्यादा है। सलासल नजर बता जावेदा खाक दिल और घर आंगन, ये इनकी चंद मशहूर किताबों के नाम है, मैं यहाँ बोर्ड पर लिखा हूँ, सलासल नजर बता जावेदा खाक दिल और घर आंगन, इनकी ये सारी मशहूर नज़में हैं बच्चों। अब देखेंगे यहाँ पर खाक दिल, इनकी ये जो नज्म थी इनकी जो किताब थी ये सब उनकी किताबों के उन्वान थे और इसमें तो नज़में थी। खाक दिल पर इन्हें नेहरू अवार्ड दिया गया, इन्होंने चंद फिल्मों के लिए गीत भी लिखे हैं। जान निसार अख्तर 18 अगस्त 1974 को इस दुनिया से रुखसत हो गए यानी उनका इंतकाल हो गया। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने देखा पहली बात जान पहचान अल्फाज मानी, अब असल नज्म हम लोग देखते हैं बच्चों, बहुत ही गौर से सुनना तमाम बच्चे। मोहब्बत है खाके वतन से हमें, मोहब्बत है अपने चमन से हमें, हमें अपनी सुबहों से शामों से प्यार, हमें अपने शहरों के नामों से प्यार, हमें प्यार अपनी इमारात से, हमें प्यार अपनी रिवायात से, सलामत रहें अपने दश्त व दमन, रहे जगमगाता हमारा गगन, निगाहें हिमालय की ऊंची रहें, सदा चांद तारों को छूती रहें, रहे पाक गंगोत्री की भवन, मचलती रहे जुल्फ गंगो जमन, नहाता रहे नर्म किरणों में ताज,
रहेता कयामत मोहब्बत की लाज, एलोरा के बुत रक्स करते हैं हंसी गार तारों से भरते हैं, रहे ये दिवाली की जगमग बहार मुंडेरों पे जलते रहे दियों की कतार, रहे आसमां पर दमकता हिलाल रहे ईद का मुस्कुराता जमाल, गले से गले लोग मिलते रहें दिलों के जवां फूल खिलते रहें। ये मुख्तसर सी नज्म है बच्चों, इसको आप लोगों को इसी अंदाज में पढ़ना रहेगा। अब हम लोग देखते हैं इस नज्म का खुलासा क्या है। हर इंसान को अपने वतन से मोहब्बत होती है, जिस तरह हम अपने घर और अपने खानदान के हर फर्द से मोहब्बत करते हैं, इसी तरह हमें अपने मुल्क से और इसकी हर चीज से मोहब्बत होती है। हम अपने मुल्क की, इसकी रिवायात, इसकी नदियों, पहाड़ों और मशहूर इमारतों से और इसके काबिले फख्र वर्से से मोहब्बत रखते हैं। हमें अपने मुल्क के त्योहारों से भी मोहब्बत है। हम अपने मुल्क और इसके वर्से की हिफाजत, लोगों के इत्तेहाद और इनकी खुशी की दुआ मांगते हैं। और हमारे मुल्क में जो त्यौहार मनाए जाते हैं, हम उसे खुशी खुशी मिलजुल कर भाईचारे के साथ मनाते हैं। ये इस नज्म का मुख्तसरन खुलासा है, निचोड़ है बच्चों। आप लोग नज्म पढ़कर आप लोगों को जहन में उसका मतलब आते जाता है बच्चों। हम अल्फाज मायने देखकर जब नज्म पढ़ते हैं तो उसका खुलासा हमारे जहन में आता है कि क्या शायर क्या बयान करना चाहता है, उसका मतलब क्या है बच्चों। तो आप लोग एक मरतबा यहाँ बोर्ड पर जो नए अल्फाज लिखे हैं उसको देख लो, उसका स्क्रीन शॉट पहले लो बच्चों। ठीक है, अब देखेंगे एक जुमले में जवाब लिखिए। यहाँ पहला सवाल है, शायर ने अपने मुल्क की किन चीजों से प्यार का इजहार किया है। बहुत सारी चीजें हैं, सुबहों से, शामों से, शहरों के नामों से, हिमालय से, एलोरा के गारों से, इन सब चीजों से प्यार का इजहार किया। और आप लोग गौर करेंगे ज्यादातर अल्फाज जो है जमा में है, हमको उसका वाहिद भी आना चाहिए। जैसे सुबहों, शामों, शहरों, नामों, गारों, तारों, ये सारे क्या है, जमा के अल्फाज है बच्चों। दूसरा सवाल है, शायर ने अपने मुल्क की किन चीजों की सलामती की दुआ मांगी। नज़्म के शेर में देखो, दश्त व दमन सलामत रहे अपने दश्त व दमन, रहे जगमगाता हमारा गगन। तो क्या आएगा जवाब, दश्त व दमन। दश्त व दमन यहां लिखा है जंगल और पहाड़। तीसरा सवाल है, शायर ने हिमालय के बारे में क्या दुआ की है। हिमालय के बारे में यहां पर दिख रहे हैं ना बच्चों, तो शायर ने क्या दुआ की है, निगाहें हिमालय की ऊंची रहें सदा चांद तारों को छूती रहे। यानी हिमालय की जो इज्जत है वो हमेशा कायम रहे, उसकी जो ऊंचाई है जिसके लोग नाम लेते हैं, उसकी ऊंचाई इतनी है गोया ऐसा लगता है वो आसमान को छू रहा है हिमालय पहाड़, यानी उसकी इज्जत अपनी जगह कायम रहे। अगला सवाल है, हसी गार से शायर की मुराद कौन से गार में। एलोरा के गार, एलोरा का जिक्र आया है, हमारे मुल्क रियासत महाराष्ट्र में जिला औरंगाबाद में है एलोरा अजंता, वहाँ के गार बहुत मशहूर है बच्चों। बाहर के ममालिक से सैयाह आते हैं, वहाँ घूमने जाते हैं और लोग देखते हैं। अगला सवाल है, इस नज्म में किन त्योहारों का जिक्र किया गया है। दो त्योहार का जिक्र है, दिवाली और ईद। ये मुख्तसर से सवाल है बच्चों एक जुमले में। आप लोगों को घर काम के तौर पे मैं यहाँ लिखा हूँ, इसके सवाल जवाब आपको मुकम्मल लिखना है बच्चों। और यहाँ पर एक छोटा सा था मुकम्मल करना था हमको, यहाँ पर देखेंगे जैसे यहाँ पर लिखा है दश्त व दमन, इसका जिक्र हमारी नज्मों में आया। इसी तरह गंगो जमन, सरो चमन, जान मान, रंज पुकार, इस तरह के और अल्फाज आप लोगों को लिखना है बच्चों। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये नज्म बहुत अच्छी से समझ में आई होगी। अब आगे का जो हिस्सा है मुख्तसर जवाब, हम लोग उसको कंटिन्यू रखते हैं बच्चों। आप लोगों को सवाल जवाब लिखना रहेगा और नज्म को सही तरीके से पढ़ना है। मैं एक शेर एक मरतबा और पढ़ देता हूँ, जब आप लोग पहला शेर सही तरीके से पढ़ेंगे तो बाद के जो अशार हैं वो उसकी सही तरतीब आपकी जबान पर आएंगी खुद ब खुद। मोहब्बत है, मोहब्बत है खाके वतन से हमें, मोहब्बत है अपने चमन से हमें, अपनी सुबहों से शामों से प्यार, हमें अपने शहरों के नामों से प्यार, हमें प्यार अपनी इमारत से है,
हमें प्यार अपनी रिवायत से सलामत रहे अपने दश्त दमन रहे जगमगाता हमारा कदम। ठीक है बच्चों, इसको पहले लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो।